ये दक्यानूस या उस ज़माने का जो बुरा किंग था, तो उन लोगों ने ये सेवन स्लीपर से यंग मैन जो थे उनसे कहा था कि आप लोग ये आइडल्स जो स्टैचूज होते हैं उनको वो वर्शिप नहीं करेंगे तो मैं 3 दिनों में आप लोगों को मार दूंगा। तो उन लोगों ने फिर आधी रात को वो लोग तीसरे दिन पे वो चुप के गार में आके चुप गए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मैन खान, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। आई होप यू आर ओके एंड डूइंग ग्रेट। और अभी हम आए हैं देखिए वो सेवन स्लीपर्स, और इसकी स्टोरी जो है वो सूर्य काव में भी इसका जिक्र हुआ है। सो यस, स्टे विद मी, लेट्स गो। सो यहाँ से हम अंदर जाएंगे, और यहाँ इस रास्ते से हम अंदर जाने वाले हैं अभी। और दिस इज़ द केव सेवन स्लीपर्स, जो ईमान लाए थे अल्लाह पे और प्रे करते थे। ये जॉर्डन में है जो, और अमान से सिटी से 30 मिनट्स के फासले पर ये जगह वाकिया है। और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी, क्योंकि उस ज़माने का कोई दक्यानूस, कोई ज़ालिम बादशाह था जो ये स्टैचूज हैं, ये आइडल जो होते उनको वर्शिप करते थे। तो उनको जब पता चला कि ये 7 आदमी जो है ये तो ईमान ले आए और ये अल्लाह को प्रे करते, तो बादशाह ने उनको बुलाया और कहा कि 3 दिनों के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने ये स्टैचूज, ये आइडल्स को जो वर्शिप नहीं किया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तो उन लोगों ने डर के मारे वो 2 दिन तक तो वहाँ पर ही रहे, और तीसरे दिन को आधी रात को वो वहाँ से चुपके से निकल गए और यहाँ इस गार में आके पना ली। और बहुत थक गए थे तो वो सो गए, और अल्लाह से वो उन लोगों ने कहा कि गॉड प्रोटेक्ट अस, हमारी ख्याल रखना। तो और अल्लाह ने उनको 309 साल तक गहरी नींद सुला दिया था, और उनके पास एक डॉग भी था उसको भी सुला दिया। और जैसे मौजज़ा देखे आप लोग, जैसे वो करवट भी लेते थे, रोशनी भी आती थी बाहर से, ऐसे ना कि बस सीधे सीधे लेटे, क्योंकि उसे तो वो जिसम ख़राब हो जाता है, बॉडी ख़राब हो जाती है, लेकिन नहीं, अल्लाह ने उनको करवट भी दिलवाई, रोशनी भी आती थी, तो वो एक ही जगह पे सब लेटे हुए थे और 309 साल तक। और उसके बाद वो जब उन के किंग दक्यानूस को पता चला कि वो इस गार में आके छुपे, तो उन लोगों ने आके इस गार का वो जो मुंह होता है वो ही बंद कर दिया कि ये लोग अंदर ही मर जाएंगे अगर हम ये बड़ा सा स्टोन या रॉक की तरह जो है वो उसके सामने रख दिया। और उन लोगों ने एक और चीज़ भी किया, जैसे ट्रेजर बॉक्स होता है उनमें से वो एक लेटर लिखा कि आज के बाद जो भी ईमान लाएगा तो हम उसके हशर ऐसे ही करेंगे जैसे इनका हमने किया है। तो बस उन वो लोग तो फिर चले गए और ये लोग सोते रहे। और 309 साल बाद जब वो उठे, उनकी आँख खुली तो सबको भूख लगी थी, और कोई कह रहा था कि हम 1 दिन के लिए सोए, कोई कह रहा था हम 2 दिन के लिए सोए, कोई कह रहा था आधे दिन के लिए। तो किसी और ने कहा कि ये तो अल्लाह को पता है कि हम कितने टाइम के लिए सो रहे थे, कि चलो ये चांदी के सिक्के लो और बाहर जाओ खाना ले आओ, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी है। तो उनको तो पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, और अच्छा बादशाह आ गया था और लोग भी अच्छे थे, पूरी दुनिया बदल चुकी थी। तो जैसे उन लोगों ने एक आदमी को भेजा बाहर, उसे कहा कि चुपके से जाना और ये भी देखना, क्योंकि हलाल हर चीज़ लेके आना और तेज़ी से जाना, क्योंकि उस टाइम तो दक्यानूस की हुकूमत थी और वो लोग तो हलाल नहीं खाते थे। तो इस वजह से, तो जैसे वो गया तो उसकी वो भी उसको भी होश उड़ गई कि ये तो पूरी दुनिया बदल चुकी है, ये तो हर मैं वहाँ पर ही हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उसने जाके हिम्मत की और जाके वो खाना ले आया, उसने उसको चांदी के सिक्के दिए।
तो वो दुकानदार वालों ने कहा कि ये तुम्हारे पास चांदी के सिक्के कहाँ से, ये आपने वो कहीं से चोरी की है कि क्या? उसने कहा नहीं नहीं ये मेरे ही है, ये मेरे अपने। तो उसने कहा नहीं नहीं कि मैं आपके ऊपर यकीन नहीं कर सकता। तो उन लोगों ने सब ने मिल के उसको बादशाह के पास लेके गए। उस टाइम तो अच्छा बादशाह था। तो उसने कहा कि ये आपके पास कहाँ से आया? उसने कहा नहीं, अगर आप लोग मेरा बिलीव नहीं करते मुझे वहाँ, मैं आप लोगों को वहाँ केव के पास ले जाता हूँ। केव के पास लेके गए, जैसे ही दे लेके गए वहाँ से और आदमी भी निकले और उनको वो बॉक्स भी दिखाया। उसमें दकियानूस ने अपना लेटर लिखा था और कि सबका ये हशर होगा जो वर्शिप नहीं करेगा आइडल्स को। तो उसके बाद उन सबको यकीन आया कि सब सजदे में गिर गए और कहा कि मौत के बाद एक और ज़िंदगी है, ये यकीन ही है। और सब ने यकीन किया। और उसके बाद ये लोग फिर वापस जैसे ही गार में गए तो वो और अल्लाह ने उनको अपने आप पास बुला दिया। तो अभी अभी भी ज़्यादातर लोग कहते हैं कि दे स्टिल अलाइव, कि अभी भी वो लोग ज़िंदा है, लेकिन ज़िंदा नहीं है। जिस जैसे ही वो वापस फिर केव में गए थे तो अल्लाह ने उनको मौत दे दी थी, क्योंकि वो उस वहाँ पर ही उनकी मौत हो गई थी और वो अल्लाह ने उनको अपने पास बुला दिया था। सो दिस इज़ द केव इन जॉर्डन। और ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं होता है। मुझे भी इतना कुछ ख़ास पता नहीं था, लेकिन ये वाकई स्टोरीज़ होते हैं यूट्यूब्स पे, तो उसमें से मुझे पता चला कि ये केव यहाँ पर जॉर्डन में। तो मैं बहुत खुश हुई और यहाँ आके मैंने देखा। एंड दिस इज़ द प्लेस दे वर स्लीपिंग दैट आई एम शोइंग इन द वीडियो। यहाँ पर वो सोते थे, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर ये सोते थे। और कितना ये अजीब, ये इट्स लाइक अ मिरेकल कि उनको 309 ईयर्स के लिए सुलाया था, तो वो करवट भी बदलते थे, ये रोशनी भी इतनी नहीं आती थी। तो हमारे अल्लाह जो है तो वो हर चीज़ का उनका ख्याल रखते थे। Place they slept here. यहाँ पर वो सोते थे वो। और यहाँ से आप लोग साइड पे देख सकते हैं, देर इज अ होल, आई थिंक दिस इज द केव होल जहाँ से वो लोग अंदर आए थे। और अभी ये फ्रंट पे जो डोर बनाया था, मुझे लगता है ये अभी अभी बनाया है, लेकिन वैसे जो होल था तो ये वाला था। This is look like from outside. बाहर से कुछ इस तरह नजर आता है। तो लोगों ने अपने आप से YouTube पे वो अस्हाब कैफ भी इसको कहते हैं, और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि स्टिल ही है, बट नहीं, नॉट दे डाइड। क्योंकि जैसे ही अच्छा वो किंग आ गया था, उसके बाद जैसे ही वो गार से निकले खाने के लिए, और किंग ने यकीन कर लिया कि दिस इज़ द ट्रूथ, तो वो सजदे में गिर गए। यंग 7 यंग मैन जैसे ही वो लोग बाग वापस केव में गए, तो उन लोगों की वहाँ पर ही मौत हो गई और अल्लाह ने उनको अपने पास बुला दिया। सो दे नॉट स्टिल अलाइव, दे डाइड। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आउटसाइड द केव ऑफ 7 स्लीपर्स। Isa asking me where they get the food from. I said it's वो तो पुराने ज़माने में था आयत, अब Isa अभी तो नहीं है। It's gone? Yeah. But where did they get it? This is the old cave. Mom, but it's 2000 years old. Where were they doing sajda? Where were they doing it? In front of the cave, there, here. Over here?
picture? It's a small cave, Isa. They didn't do like in the big cave. They hide here to pray. Worship Allah. Here next to the cave, there is a mosque as well. Masjid Kahf, Ahl al-Kahf. This is how it looks. और यहाँ पर फिर मगरिब का टाइम हो गया तो मैं और आयत नमाज पढ़ने आ गई। आयत भी मेरे साथ खड़ी हो गई, मुझे कॉपी करे जा रही थी और फिर हम नमाज पढ़ के वापस नीचे चले गए थे। वापस जा रहे घर। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, स्पेशली शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो यस, अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।